ओम नमः शिवाय। तो डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं हूँ रुद्राक्ष और आप लोगों का प्यारा एक दोस्त। तो आज हम जा रहे हैं दक्षिणेश्वर मंदिर, तो सोचा कि थोड़ा सा एक ब्लॉग बना दूँ आप लोगों के लिए। तो दक्षिणेश्वर मंदिर का थोड़ा सा जो हिस्ट्री है वो आपको बता देता हूँ पहले ही। दक्षिणेश्वर मंदिर कलकत्ता के पास में गंगा किनारे रानी रासमणी देवी ने निर्माण किया था 1855 में। इस मंदिर के देवी काली माता को भवतारिणी नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी में विशिष्ट योगी रामकृष्ण परमहंस देव इस मंदिर में ही अपना साधना किया करता था। 1847 में रानी रासमणी देवी ने अन्नपूर्णा माता के दर्शन के लिए काशी में जा रहा था। ठीक इसी समय काली माता ने रानी रासमणी देवी के सपनों में आया और आदेश किया कि उन्हें उतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो माता के लिए एक मंदिर बनाए गंगा के तट पर। इस सपनों को मानकर देवी रानी रासमणी ने गंगा के तट पर इस मंदिर को निर्माण किया था। पहले तो हमने एक कैफे लिए और बेलगछिया मेट्रो स्टेशन पर चला गया। फिर हमने दक्षिणेश्वर जाने वाले जो मेट्रो है उसमें चढ़ गए। थोड़ी देर में ही हम पहुंच गए दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन। दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन के अंदर इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, देखकर तो मैं आश्चर्य हो गया। कितना अच्छा अच्छा फ़ोटो टंगा हुआ है यहाँ पर, मैंने तो सोचा कि इसका भी थोड़ा सा क्लिप ले लेता हूँ। सब बड़े बड़े इमारतें एंड ब्रिजेस, गंगा नदी सब दिख रहा है यहाँ पर। तो हम लोग बहुत इंजॉय किया वहाँ पर, थोड़ा सा तस्वीर खींचे और ये फ़ोटो देख अच्छी तरह करके इस फ़ोटो को देख रहे थे। तो कहाँ कहाँ कैसा कैसा है, देखो तुम लोग जाओगी तो बहुत देखकर तुमको भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये बहुत अच्छा है यहाँ पर। छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, उस पत्थर से भी यहाँ पर कुछ तस्वीरें बनाया हुआ है, देख सकते हो तुम लोग यहाँ पर अच्छी तरह, बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ तस्वीर ही तस्वीर है, देखो थोड़ा सा अंधेरा हो गया था यहाँ पर, लाइट कम था, तो देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर डेकोरेट किया हुआ है। बहुत सारा छोटा छोटा पुतला यहाँ पर बनाया गया है कुछ अच्छी तरह, और ये देखो बहुत अच्छा बीना हाथ में लेकर कुछ बैठा है लोग। यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ है, शारदा देवी, रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद। धीरे धीरे हम मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गए और वो सामने जो दिख रहा है वो है स्काई वे में जाने वाला रास्ता, तो हम इसमें चढ़ेंगे और स्काई वे में जाएंगे। स्काई वे में चढ़ के जो नज़ारा दिख रहा है वो है मेट्रो स्टेशन, और वो है थोड़ा सा मेट्रो स्टेशन का टिकट काउंटर, थोड़ा सा होटल फोटल है यहाँ पर, रुक सकते हो रुको। और ये है स्काई वे, यहाँ से जो नज़ारा है वो बहुत ही शानदार नज़ारा है भाई। यहाँ पे कितने लोग जा रहे हैं, यहाँ पर ऑल टाइम ही भीड़ रहता है। यहाँ से 10 से 15 मिनट पैदल चलोगी तो आएगा दक्षिणेश्वर मंदिर। यहाँ पे तुमको तरह तरह के लोग देखने को मिलेगा, फॉरेनर से लेकर बंगाली, बिहारी, मड़वाड़ी, सब लोग माता जी के दर्शन के लिए आते हैं और स्काई वे में मज़ा लेने के भी आते हैं। तो भाई सब मिलाकर यहाँ का जो नज़ारा है वो शानदार है। और वो एक काला बोर्ड लगा रहता है ना यहाँ पर, देखो वो बोर्ड में साफ साफ लिखा है कि दक्षिणेश्वर स्काई वे, दक्षिणेश्वर रानी रासमुनि स्काई वॉक, क्योंकि यहाँ से सब लोग पैदल ही चलता है, वॉक करके चलता है, इसीलिए वॉक। यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि छोटा छोटा दुकान बना हुआ है दोनों तरफ, इस साइड में भी और उस साइड में, और यहाँ पे जो लोग हैं वो हर कस्टमर, अबे छोड़ा है दी आ रहे हैं, यहाँ से सामान ले ले 10 रुपया 20 रुपया 50, जितने की महंगा महंगा वाला भी है, तो हो सकता है तुम लोग यहाँ से भी कुछ सामान ले लो। माता जी के पूजा के सामान है, बहुत सारा सामान है भाई, क्योंकि यहाँ पर तो भीड़ लगा हुआ है। तो हम लोग धीरे धीरे पैदल चल रहे और सब कुछ देख रहे, और जो लोग हैं हम लोग को बुला रहे कि भाई मेरे यहाँ से कुछ पूजा के लिए सामान ले लो, टोपी ले लो। एक बात साफ़ है कि भाई तुम यहाँ पर जब आओगे ना, तुम्हारा दिल पूरा साफ़ हो जाएगा, दिन में एक अच्छा तरह सुकून आएगा, जितने भी टेंशन है ना सब भूल जाओगे। और ये देखो यहाँ पे तो बहुत सारा चीज़ है यार, ये देखो कितना सारा डब्बू है, कितना सारा वृक्ष की माला है, बच्चों के खिलौने हैं। और जो बड़ी बात है, नीचे थोड़ा सा कैमरा दिखाता हूँ कि वहाँ पर तो भोलेनाथ की कितना सारा फोटो है, कितना सारा मूर्ति है यहाँ पर, देखो शिवलिंग भी बहुत सारा है, भोलेनाथ देखो कितना सारा अच्छी अच्छी तरह शिवलिंग है। हमने तो यहाँ से 2 खरीद भी लिया। और देखो यहाँ पर आ गए स्काई वे से उतरने का रास्ता। अब हम लोग देखो स्काई वे से उतर गए हैं और ये जो देख रहे हो सामने ये है एंट्रेंस, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पे तो भाई भीड़ बहुत सारा है कि लोग सब धक्का धक्की कर रहे हैं, कैमरा ठीक से चला नहीं पा रहा हो कि लोग बोल रहे कि चलो भाई चलो क्या करो, फटो बाद में लेना, चलो पहले चलो, हटते रहो। तो
तो भाई हम लोग थोड़ा जा रहे हैं, अगर हम सामने दिख में जा रहे थे, और ये जो दाएं तरफ दिख रहा है ना, एक बड़ा सा लॉज है, होटल है, जो लोग दूर से आते हैं यहाँ पर रह सकते हैं। तुम लोग कहीं से भी आ सकते हो यहाँ पर, हावड़ा स्टेशन, विधान नगर स्टेशन, सियालदा स्टेशन, या कहीं से भी अपने खुद के कार से आ सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कार पार्किंग करने के भी जगह है, पीछे की तरफ कार, बहुत सारा कार पार्क किया हुआ था, मैंने देखा था। तो अब हम लोग सामने की तरफ आ गए हैं, और सामने देखो कितना सारा बगीचा है यहाँ पर, सब मिलाकर बहुत अच्छा डेकोरेट है यहाँ पर। डेकोरेट के मतलब कि ऑल टाइम ही रहता है। और वो देखो जब नज़ारा मिला है तो माता जी के प्रणाम भी कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ये है दक्षिणेश्वर मंदिर, इसमें भी बसते है माता भवतारिणी। तो धीरे धीरे हम भीड़ को चीरते हुए आ गए कि यहाँ पर थोड़ा सा खाली है, लोग सब अंदर घुस गए हैं पूजा के लिए, पर पूजा देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लाइन लगा हुआ है, अभी तक मंदिर खुला नहीं है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा सोचे कि पूजा का सामान ले लेता हूँ, दो ठो डाला ले लेता हूँ। फिर डाला के बाद यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हो ना, यहाँ पे चप्पल, तुम्हारा मोबाइल, अंदर तो मोबाइल कैमरा कुछ भी ले जाने का इजाज़त नहीं है। तो हम लोग वहाँ पर सब कुछ जमा करके जाएंगे, तो सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर घूम फिर लूँ। वो देखो वो है होटल, वहाँ पर सब लोग रहते हैं, और ये बगीचा जो है ये दो रास्तों के बीचे बीच है, यहाँ एक से लोग सब लोग आते हैं, यहाँ से जाते हैं। और ये जो सामने देख रहे हो अच्छी तरह एक पुतला है, यहाँ पर देखो सब भोग फोग मिलता है यहाँ पर। और ये है एक दुकान, इसमें बहुत सारा दुकान है जहाँ से हम लोग सामान खरीदते थे। और उसके बाद में है थोड़ा सा एक मेला टाइप का लगता है ना, उस मेला जैसा ही है। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें, खाने का दुकान है, और तो बहुत सारा रुद्राक्ष माला, शिवलिंग, फोटोज वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, जो चाहिए तुम्हें। बहुत अच्छा लगेगा तुमको यहाँ पर आकर, देखो कितना सारा मूर्तियाँ है यहाँ पर। हम लोग तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा कैमरा में वीडियो कर रहे थे, फोटोज तुल रहे थे, और देखो सारा भीड़ भी है यहाँ पर, और देखो कितना सारा यहाँ पर फोटोज है, शिवलिंग भी है, बहुत सारा चीज़ है। आओगी तो जन्मत में पहुँच जाओगे, बहुत मजा, बहुत मजा। और तो दिल को तो एक अच्छा तरह सुकून मिलेगा। और यहाँ पे एक तो जो चीज़ है, बहुत सारा बंदर देखने को मिलेगा, बहुत सारा बंदर या कुआं कुछ भी हो यहाँ पर बहुत सारा है। और ये देखो कितना सारा छोटा छोटा शिवलिंग है, इसका दाम तो हम लोग अभी भैया के शॉप में आए हैं, पूजा का थाली लेना है, माँ का पूजा करना है, तो भैया डाली बना रहा है। तो पूरा शॉप है, देख सकते हैं इधर मिठाई विठाई सारे कुछ है। आपको अगर साड़ी लेना है तो साड़ी भी मिल जाएगा, जैसा लेना है वैसा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, मिठाई साड़ी सब कुछ, सब पूजा का लिए, पूजा के लिए है। तो भैया हमारा डाली पूरा रेडी करा है, कहाँ कहाँ दिया है देख लीजिए। मिठाई भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया। तो अब आ गए हम यहाँ के मंदिर के अंदर, पूजा देने के लिए जा रहे थे, तब आ गए यहाँ पर, थोड़ा सा बैग, मोबाइल फोन, कैमरा जमा करके हम लोग अंदर घुस गए थे। तो और भाई हाथ जो चप्पल, कैमरा फोन, तुम ऐसा भी कर सकते हो कि चार लोग आए, एक लोग को बाहर बैठा के उसके पास सब कुछ जमा करके तुम तीनों घूम कर आ सकते हो। और या ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो काउंटर होता है, वो काउंटर में सब कुछ जमा करके तुम एक साथ जा सकते हो। कि यहाँ पर जो थोड़ा सा दिक्कत है कि ये फ़ोन अलाउ नहीं है, तो तुम अंदर फोटो खींच नहीं पाओगे। तो हम लोग पूजा देकर निकल आए हैं बाहर, और बाहर से थोड़ा सा तस्वीरें ले रहे हैं भाई। पहले ज़माने में जितने भी मंदिर, इमारतें, ब्रिजे, जितने भी कुछ बना हुआ है ना, वो भाई बहुत खाटी है। और इस ज़माने में भी हम लोग जैसे सब आर्किटेक्चर है ना, जितने भी चीज़ बना रहे हैं, वो 50 साल के अंदर सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, पर ये कुछ नहीं होगा भाई, ये बहुत ही अच्छा है। तो भाई हम लोग फिर से आ गए एक मेला पर, पूजा देकर निकला है, और उस पर कुछ खाएंगे, इसके वजह से आए हैं, देखते क्या खा सकते हैं। तो ये देखो जो धूप है यहाँ पर, बहुत अच्छा धूप है यहाँ पर, देख सकते हो कितना अच्छा है। स्लो में कर दिया इसे थोड़ा सा, बहुत भोलेनाथ की है, जो औसम नज़ारा है भाई भोलेनाथ के सामने, थोड़ा धूप का जो है बहुत ही अच्छा है।
और हम लोग तो भाई सुबह से उपवास थे, पूजा के देने के बाद ही कुछ खाने वाले थे, तो पूजा तो हो गया, तो इसलिए हम लोग चले आए एक खाने के दुकान पर। यहाँ पर उतना बढ़िया खाना नहीं मिलता है, पर जो भी मिलेगा मोहर अचुक जो खाना होता है अच्छी झाल मुड़ी थी, बहुत ही अच्छा लगे खा लिए। फिर यहाँ से उनके पास फिर रवाना दादा दूजन मिले खा चले एक साठी दिखे ये दो बंदे खा रहे हर हर महादेव शंभू। तो हम लोग निकल रहे हैं, पूजा देने में बहुत टाइम चला गया था भाई, क्योंकि यहाँ पे सुबह से बहुत लंबा लाइन लगा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। और अंदर तो कैमरा वैमरा कुछ भी लेने को नहीं दे रहा था, तो सोचा कि अब धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ पे तो नो पार्किंग इलाका है, बट तुम लोग यहाँ से सीधा चले जाओगे तो एक सामने बड़ा मैदान दिखेगा, वो मैदान में तुम लोग कार पार्क कर सकते हो। और यहाँ पे जो देख रहा हूँ ये जो बड़ा बाड़ी है बिल्डिंग है, यहाँ एक विश्रामागार है और चाहो तो एक होटल भी है, यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर रुक सकते हो। और हम लोग अब जाएंगे यहाँ से थोड़ा सा ही दूर में, 10 मिनट के दूर है बेलूर मठ। तुम लोग नाम सुना ही होगा कि बेलूर मठ है, यहाँ से 15 रुपया लेगा ऑटो में और आ जाओगे दक्षिणेश्वर से बाहर बेलूर मठ में। तो हम लोग सोचा कि इतने दूर आ गए हैं तो 10 मिनट के नज़दीक में ही है बेलूर मठ, तो वहाँ पे घूम जाते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग आ गए दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ। यहाँ पे देखो कितना सारा पेड़ पौधे है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगेगा तुमको, मन को शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा खाने का भी व्यवस्था है, यहाँ पर 60 रुपया में आपको भोजन मिल जाएगा। होटल नहीं है कि यहाँ का माता जी का प्रसाद है ये, यहाँ पे पहले एक टोकन लेना पड़ता है, फिर यहाँ से भोजन जब देगा दोपहर को 12 बजे से शुरू होता है, तो यहाँ पर तुम लोग भोजन खा सकते हो अच्छी तरह, बहुत अच्छा भोजन मिलता है यहाँ पर। बट यहाँ पे तुम लोग कैमरा लेकर आ सकते हो, फोटो फोटो खिंचा सकते हो भाई, यहाँ पर बहुत अच्छा जगह है देखने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। बड़ा सा एक मंदिर है, माता जी का मंदिर है, यहाँ पे बहुत ही लोग आते हैं। और यहाँ पे एक तो शिव मंदिर भी है, मैंने देखा था इसके बगल में एक शिव मंदिर है, बहुत अच्छा शिव मंदिर है। तुम लोग यहाँ पे आओगी तो थोड़ा सा भी तुम्हारा जितने भी पाप है वो धुल जाएंगे, पुण्य हो जाएगा। और जो पाप नहीं किया उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं, पुण्य बढ़ ही जाएगा। तो मेरा तो भाई मैंने बहुत सारा पाप किया है, इसलिए मैं आ गया हूँ मेरा पाप को धुलने के लिए, अब पुण्य प्राप्त हुआ मुझे, दिल को सुकून प्राप्त हुआ मुझे। तो भाई तुम लोग भी आओ और माता जी के दर्शन करो, इंजॉय करो, आनंद करो। जीवन भाई बहुत छोटा है, तो सब जगह जितने जगह हो सके घूम लो। ये रहा हमारे भोलेनाथ का मंदिर, जय भोलेनाथ। तुम लोग आओ देखो भाई, जीवन बहुत छोटा है, इसलिए तुम लोग जितने हो सके इस जीवन में भगवान के नाम करो, दर्शन करो भगवान के। हर हर महादेव। तो साढ़े बंदा आ गया, चलो मतलब कि उसके साथ हम भी जाएंगे अभी। तो भाई यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लाइन है, मतलब कि हाँ ही बोले यार, बहुत सारे बंदे। चालू इधर पे तरमूज वाला था, उससे हमें तरमूज लिया है, सब खा रहे देखो अधूरे के तरह। ऐसा बंदा तरमूज तोड़ने गया तो गिर गया पूरा, वो गिरा हुआ उठा के खाने लग गया, भाई करे मेरा थोड़ा बहुत बचा है। हर महादेव। अब देखो तरबूज खा रहे, भूख लगा था बहुत, होटल होटल नहीं मिला तो क्या करें। अबे उसमें से आधा तोड़ साला पूरा 2 किलो तरबूज अकेला खा गया, कैसा बंदा है का ही बोले। अच्छा लग रहा, चलिए खाने के बाद मिलते हैं।